अध्याय पांच। इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लज्जता ना मूर्ता की बातचीत की ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें सोती नहीं वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूरत पूजने वाले के बराबर है, मसीही और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो वरन उन पर उलाहना दो। क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है, इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमोल समझो। क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और दाख रस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा चल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक ना झुर्री ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीही भी कलीसिया के साथ करता है, क्योंकि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। ये भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीही और कलीसिया के विषय में कहता हूं
पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने।